Good morning, all of you. Today my maths class. Yes, maths की class में आज हमारा topic होगा subtraction. Last class में भी हमने subtraction के बारे में पढ़ा था. उसकी exercise number 2 solve की थी. आज हम subtraction की ही exercise number 3 solve करेंगे. Yes, now start. इसके लिए पहले हम एक example लेते हैं. आप ही की book का. Yes. हंड्रेड की वैल्यू क्या है हमारे पास? वन. वन हंड्रेड क्या हो गया? वन हंड्रेड. यस. टेंस की वैल्यू हमारे पास है थ्री. टेंस की वैल्यू कितनी है? थ्री. वन टावर की वैल्यू होती है टेन, तो थ्री की हो गई थर्टी. थ्री की थर्टी. वंस की वैल्यू हमारे पास फाइव. वंस की वैल्यू हमारे पास क्या है? फाइव है. वंस की वैल्यू क्या है हमारे पास? फाइव है. यस, लुक इट ब्लैकबोर्ड. वंस की वैल्यू हमारे पास फाइव है. टेंस की वैल्यू हमारे पास थर्टी है. हंड्रेड की वैल्यू हमारे पास वन है. यस. अगर इसमें से मैं टू कट कर दूं, माइनस टू और ये जो टावर दिया हुआ है इनमें से मैं वन टावर लैस कर दूं. क्या लैस करती हूँ? वन टावर. यस. एच टी ओ. वंस की वैल्यू हमारे पास कितनी थी पहले? फाइव. कितनी थी? फाइव. टेंस की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? थर्टी. थर्टी फाइव. वन हंड्रेड थर्टी फाइव. हमारे पास टोटल नंबर कितने थे? वन हंड्रेड थर्टी फाइव. वन हंड्रेड थर्टी फाइव. इसमें से वंस की वैल्यू हमने कितनी कम करी? टू. वंस की वैल्यू कितनी कम करी हमने? टू. टू स्क्वायर हमने कट कर दिए. और टेंस की वैल्यू हमने कितनी कम करी? टेन. हमने क्या लेस कर दिया इसमें से? ट्वेल्व. क्या लेस कर दिया? ट्वेल्व. यस. फाइव में से टू लेस किया? थ्री. थ्री में से वन लेस किया? टू. और वन यहाँ कुछ नहीं है तो हम यहाँ जीरो भी इंक्लूड कर दें. वन में से जीरो लेस किया? वन. यहाँ आंसर आ गया हमारा 123. क्या आंसर गिवन हुआ हमें? 123. यस. इसी से रिलेटेड हम आपकी बुक का एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं सॉल्व कर रही हूँ. इसमें टेंस की वैल्यू दी हुई है थ्री. क्या दी हुई है? थ्री. टेंस की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? थ्री. आपके क्वेश्चन में यस टेंस की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? थ्री. सॉरी, हंड्रेड की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? थ्री हंड्रेड. टेंस की वैल्यू है हमारी टू टावर बने हुए और वंस की वैल्यू हमें टू दी हुई है. वंस में हमें कितने स्क्वायर दिए थे? टू. यस. टोटल नंबर हो गया 322. 322 टोटल नंबर हमारा क्या हो गया?
22 प्लस एच टी ओ 322 यस। इसमें से हमें लेस करना है 135 हमें लेस करना है जो आपके यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 135 फ्रॉम 322। मैंने आपको कल भी बताया था कल के क्लास में भी कि हम जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ग्रेटर देन माइनस स्मॉलेस्ट, बड़े में से हम छोटा नंबर लेस करते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है 322, इसमें से हमें लेस करना है 135। क्या लेस करना है हमें 135। 322 माइनस 135 यस। टू में से 5 लेस नहीं हो सकता क्योंकि हम जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं ग्रेटर देन माइनस स्मॉलेस्ट, बड़े में से हम छोटा नंबर लेस करते हैं, तो 2 हमारे पास स्मॉलेस्ट है, हम 5 इसमें से लेस नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर, इसका नेक्स्ट नंबर क्या है 2। हम इसे एक बोरो लेंगे, एक उधार लेंगे। अगर आपको कोई भी 5 रुपीज की सामान परचेज करना है तो आपके पास अगर 2 रुपीज है तो आप परचेज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी से और पैसे लेंगे, मम्मा को बोलेंगे मम्मा और पैसे दीजिए ताकि हम वो चीज परचेज कर सकें। ऐसी ही सिचुएशन हमारे यहाँ क्वेश्चन में है, 2 में से 5 लेस नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वाला 2 है वहाँ से 1 हमने बोरो किया, जब हमने यहाँ से 1 बोरो किया तो यहाँ क्या रिमेन रहा 1, यहाँ क्या रिमेन रहा 1, 2 था, 2 में से मैंने 1 किसी को दे दिया तो मेरे पास क्या रिमेन रहा 1, 1 हमने यह ऊपर मेंशन कर दिया, यहाँ फिगर हो गया हमारा 12, 2 में जब हमने 1 और ऐड किया तो 12, 12 में से हमने 5 लेस किया तो क्या आंसर गिवन हुआ हमें 7, 12 में से 5 लेस करेंगे तो क्या आंसर गिवन होगा 7। नेक्स्ट, अब हमें ये 3 है, लुक इट ब्लैक है 3, ये 3 हम किसमें से लेस करेंगे आप बताइए, लुक इट, ये 3 है, 3 को हम 2 में से लेस करेंगे नहीं 1 में से, तो 1 में से 3 लेस हो सकता है नो, 1 क्या है स्मॉलेस्ट है और 3 ग्रेटर देन है बड़ा है। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा 3, 3 में से हम 1 यहाँ बोरो करेंगे, ये 3 है, 3 में से मैंने 1 इसको दे दिया बोरो कर लिया, बाकी हमारे पास 3 थे, इसमें से मैंने 1 रुपीज़ किसी को दे दिया तो मेरे पास कितने रुपीज रिमेन रहे 2 रुपीज़, 2 हमारे पास यहाँ रिमेन है, मैंने 1 इसको दे दिया, पहले से यहाँ 1 था, 1 और 1 11 में से मैं क्या लेस करूँगी 3, 11 में से क्या लेस करेंगे हम 3, 11 में से 3 लेस करेंगे 8, 11 में से 3 लेस किया तो क्या आंसर आया 8। अब ये जो 1 है इसको हम किस में से लेस करेंगे 2 में से, 2 में से 1 लेस किया 1, हमें आंसर गिवन हुआ 187। क्या आंसर गिवन हुआ हमें 187 यस। इसी बुक से हम क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्व करेंगे। यस, आज की बुक का क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं। 3, 2, 7 वन की वैल्यू है 7, 5, 3 लेस यस, लुक इट ब्लैक बोर्ड, 3 में से 7 लेस नहीं हो सकता, 3 स्मॉलेस्ट नंबर है, छोटा नंबर है यस। हम क्या करें, जो नेक्स्ट फिगर है वहां से हम 1 बोरो करेंगे, बोरो किया ये कितना हो
गया 13, यहाँ कितना रह गया 1। 13, 13 में से 7 लेस करेंगे, 13 में से 7 लेस करेंगे, क्या आंसर आया हमें 6। क्या आंसर गिवन हुआ हमें 6। यहाँ है 5, 5 को हम किस में से लेस करेंगे 1 में, 1 तो स्मॉलेस्ट है, हम क्या करेंगे जो नेक्स्ट नंबर है वहाँ से 1 बोरो करेंगे, 7 था, 7 में से मैंने 1 इसको यहाँ बोरो कर लिया, यहाँ रिमेन रहा 6, क्या रिमेन रहा 6। हम 5 किस में से लेस करेंगे 11 में से, 11 में से मैंने 5 लेस किया, आंसर आया 6, क्या आंसर आया हमारा 6। नेक्स्ट 3, 3 को हम किस में से लेस करेंगे 6 में से, जो हमारे पास रिमेन रहा था 6 में से 3 लेस करेंगे, आंसर क्या आया 366। यस, वन एग्जांपल और करते हैं, स्मॉलेस्ट है ये, 9 क्या है ग्रेटर देन है, बड़ा है, ये लेस नहीं हो सकता, हम क्या करेंगे नेक्स्ट नंबर से बोरो लेंगे, मगर हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है 0, 0 के पास तो कुछ ही नहीं होता है अपना, तो क्या करेंगे जस्ट इससे नेक्स्ट नंबर कौन सा है 7, 7 नंबर है, 7 में से मैंने 1 यहाँ बोरो किया, यहाँ रिमेन रहा 6, क्या रिमेन रहा 6, यहाँ कितना हो गया 10, जब 0 था हमने इसके आगे 1 और लगा दिया तो ये क्या हो गया 10 हो गया। अब हमारे पास यहाँ 10 है तो अब हम इसको 8 को बोरो कर सकते हैं, यस 10 है, 10 में से मैंने 1 यहाँ बोरो किया, यहाँ रह गया रिमेन 9, क्या रह गया 9, यहाँ पे क्या बन गया 18, 8 था 1 बोरो किया 18, 18 में से 9 लेस हो सकता है, यस 18 में से हम 9 लेस करेंगे, आंसर गिवन होगा हमें 9, क्या आंसर गिवन होगा हमें 9। लुक एट 8, 8 को हम किस में से लेस करेंगे 9 में से, जो ऊपर हमारे पास रिमेन रहा है उसमें से 9 में से 8 लेस किया, आंसर गिवन हुआ 1। 3 को हम किस में से लेस करेंगे 6 में से, 6 में से 3 लेस किया, आंसर गिवन हुआ हमें 3। 319 हमारा आंसर क्या है 319, यस। स्टूडेंट्स आपको अपनी बुक्स की एक्सरसाइज नंबर 3 के ऑल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मैम को कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैम उनका सॉल्यूशन आपको निकाल के आपको सेंड कर देगी, और आपको अपने नोटबुक में सभी एक्सरसाइज करनी है और चेकिंग के लिए आपको स्कूल में देना है। ओके, बाय, थैंक यू।